ये पांचवा क्वेश्चन आपका, पांचवा क्वेश्चन है विपरीतार्थक शब्दों को लिखिए, जिसका शब्द है पहले उदय, उदय का विपरीतार्थक होगा अस्त, अदृष्ट, अदृष्ट का विलोम होगा प्रत्यक्ष, ताप, ताप का विलोम होगा शीत। उदय का मतलब होता है उदय और अस्त का होता है अस्त, अदृष्ट का, अदृष्ट का होता है लोप होना, और प्रत्यक्ष का, प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने में जो दिखता है, ताप का मतलब होता है गर्मी और शीतक का मतलब होता है ठंड। कांतिहीन, कांतिहीन का विलोम होगा कांतिमय, प्रातः काल का विलोम होगा सायंकाल, देव, देव का विलोम होगा दानव। इस प्रकार से सभी शब्द के विलोम शब्द मैंने आपको बता दिया है। बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर को मैंने लिखकर आपको बता दिया है। ये देखिए प्रश्न, आप पहले ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, इसके बाद ये सारे प्रश्नों को आपको बारी बारी से देखेंगे, इसके बाद जो उत्तर मैंने बताए हैं वो आप लिखेंगे। यह भी 3-4 का आंसर है जो जिसमें हिंदी में अनुवाद है, और प्रयोग भुआ के प्रयोग करना जो है वो मैंने इसमें लिखा है, आप ध्यान से इसे लिख लेंगे। अर्थक शब्द आपके जो यहाँ पर मैंने आपके जो शब्द के सामने मैंने इसके विलोम अर्थ को भी बता दिया है। आप सभी बारी बारी से जितने भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं, प्रश्नों के जितने भी उत्तर प्रश्न उत्तर मैं करवा रही हूँ, उस सबको ध्यान से लिखेंगे। आइए एक बार मैं और फिर सभी प्रश्नों के उत्तर को मैं बता देती हूँ। चैप्टर 2 प्रभात दर्शनम के प्रश्न संख्या 1-2, ये दोनों का आंसर है, और यह है प्रश्न संख्या 3, 4 एवं 5। इन सभी प्रश्नों को लिखकर आप उसके उत्तर को लिखेंगे। बच्चों इस प्रकार से मैंने आपका चैप्टर जो 2 है उसे कंप्लीट करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के सभी।